कुर्ता पजामा हमारा ऑल टाइम फेवरेट ट्रेडिशनल वियर है। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी ओकेजन हो, कोई भी वेडिंग हो, कुर्ता पजामा ही हमेशा प्रेफर किया जाता है। कुर्ता पजामा में हर बंदा अच्छा लगता है, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर उनमें कुछ चीज़ अपने ध्यान रखे, उनमें आ जाती है फिटिंग, आ जाती है कलर मैचिंग, आ जाती है हर चीज़ जो बंदा ध्यान रखे, उसके बाद में कुर्ता पजामा में हर बंदा अच्छा लग सकता है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि कुर्ता पजामा को सिर्फ ओकेजन पर पहना जाए, इसको अपन डेली बेसिस पर भी पहन सकते हैं। कुर्ता पजामा के अंदर स्टाइल गेम बहुत ही लिमिटेड होता है। इसमें अपन मेनली वॉच, फुटवेयर, स्कार्फ और जैकेट, ये जो एसेंशियल्स है, इस पर ध्यान देकर अपन कुर्ता पजामा में एकदम स्टाइलिश दिख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कुर्ता पजामा कैसे टीम अप करें और एसेंशियल्स को उसके साथ में कैसे टीम अप करें। तो वीडियो को पूरा देखें, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगा। मैच कलर, आपको कलर मैच करना है। अगर आप सिंगल कलर में ही कुर्ता पजामा लेते हैं या सिलवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लेन वाइट और प्लेन ब्लैक, इन दोनों में आप कोई ज़रूरत नहीं है कलर मैच करने की, क्योंकि सिंपल ही दोनों कलर सेम ही होंगे, तो क्या मैच करोगे उसके अंदर। बट इसके अंदर आप वॉच और फुटवेयर दोनों का कलर आप मैच कर सकते हैं, और अगर आप जैकेट पहने, जैकेट का कलर भी आप मैच कर सकते हैं। बट अगर आप कोई अलग कलर का कुर्ता सिलवा रहे हैं तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि जो पजामा कलर हो उसको आप प्लेन वाइट या प्लेन ब्लैक में रखें। अगर रेड कुर्ता है तो आप वाइट रख सकते हैं वो पजामा, अगर आप नेवी ब्लू में सिलवा रहे हैं तो आप वाइट भी रख सकते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं पजामा का कलर। इससे क्या थोड़ा सा आपका डिफरेंट लुक आएगा और अच्छा भी लुक आएगा। टिप नंबर टू एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, फिटिंग। सबसे पहले अपर पार्ट की बात करते हैं, जहाँ पे अपना शोल्डर और हैंड डिवाइड होता है वहीं पे शोल्डर लाइन कुर्ते की एंड होनी चाहिए, और कुर्ते की स्लीव एग्जैक्ट रिस्ट तक ही होनी चाहिए, ना उससे छोटी ना उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो वो एकदम इकट्ठी हो जाएगी वहाँ पे, अगर कम होगी तो फिर वो अच्छी लगेगी नहीं। और पजामा नेरो और उसकी लेंथ एंकल तक होनी चाहिए। टिप नंबर थ्री इज़ फुटवेयर। फुटवेयर में आप ट्रेडिशनल वियर जो अपनी जुत्ती है, मोजरी है, आप वो ट्राई कर सकते हो, उसमें तो लुक बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आप थोड़ा सा स्टाइल गेम को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो तो आप लॉफर्स, लेदर लॉफर्स, स्वेट्स, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। बस ध्यान ही रखो आप स्नीकर्स को इसके साथ ना पहने, लुक अच्छा नहीं आने वाला। और इसकी जगह आप मोंग स्ट्रैप्स भी यूज़ कर सकते हो, मोंग स्ट्रैप्स ऐसे सेमी फॉर्मल या फॉर्मल ओकेजन में आते हैं, पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। एसेंशियल्स कंपलसरी नहीं है, पर अगर आपको ऐसे इवेंट में जा रहे हो जहाँ पे आपको डिफरेंट दिखना है और सब लोग कुर्ता पजामा पहन रहे होंगे तो आपको उनमें से डिफरेंट दिखना है, तो आप एसेंशियल्स ट्राई कर सकते हो, ज़रूर ट्राई करो एसेंशियल्स। एसेंशियल्स में मेनली जैकेट, वॉच और स्कार्फ